हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोज को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको जीके टॉपिक वाइज, हिंदी टॉपिक वाइज एंड बी एड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा। पीडीएफ वगैरह अगर आपको फ्री में चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, तो आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे आप लोग पेपर की फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हो तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि कल की क्लास में मैं सामान्य विज्ञान की क्लास में ये क्वेश्चंस करवाया था, मेरी अब जो जितनी भी क्लासेस होती हैं टॉपिक वाइज वाली, वो क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर क्लास से एक प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। मतलब जो अब जो है मैं करवा रहा हूँ उनसे समझ लीजिए कि क्वेश्चंस आना ही आना है, ठीक है। तो पूरी क्लासेस को आप लोग देखा करें, नोट्स बनाते चलें, रिवीजन आपको करते हुए चलना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक्सरे की खोज किसने की थी। सभी लोग जवाब दीजिए, एक्सरे की खोज किसने की थी। तो एक्सरे की खोज कल ही बताया था, डब्ल्यू के रोटेंजन के द्वारा की गई थी एक्सरे की खोज। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था। सेकंड का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था, तो वो थे समुद्रगुप्त, ठीक है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समुद्रगुप्त को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है, भारतीय नेपोलियन, ठीक है। इनको जो है भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई थी। किसने दी थी इनको भारतीय नेपोलियन की उपाधि? वी ए स्मिथ ने, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है, तो समुद्रगुप्त को, ठीक है। अगला ऑप्शन देखिए, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। कई बार ये क्वेश्चन करवाया हूँ, स्टार लगा लीजिएगा। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, इसको कहे थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बेट करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें, ताकि जो भी बीएड की अपडेट आए वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिल सके, ठीक है। एडमिट कार्ड के बारे में आपको पता ही चल गया है, निगेटिव मार्किंग के बारे में आपको पता ही चल गया है। मॉर्निंग वाली वीडियोज को नहीं देखें तो आप लोग जाके देख सकते हो, उसमें मैं आपका सारा डाउट क्लियर किया हूँ कि जिनका इस बार ग्रेजुएशन फाइनल ईयर है उनका एग्जाम जिनका 30 को था तो वो क्या क्या होगा, वो आप डाउट क्लियर कर सकते हैं वो वीडियो देख के, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि पहाड़ों पर जल कम तापमान उबरता है जो है क्योंकि, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि जो है पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, ठीक है। इसीलिए जो है जल कम तापमान पर उबलता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है। 5 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है, तो वो है अनुच्छेद 40, ठीक है, जो कि राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है, अनुच्छेद 40। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने भी लोग टेस्ट को दे रहे हैं प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न ये है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है वो डिस्पैच 1854 को। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए कि विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था, उस उद्योग का नाम बताएं जो विभाजन के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ था, तो वो उद्योग है जूट तथा रुई उद्योग, जो कि विभाजन के कारण जो है बुरी तरह प्रभावित हो गया था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे के सारे क्वेश्चन में जीके टॉपिक वाइज की क्लास में करवाया हूं, ठीक है। महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है, तो महर्षि गौतम का जो संबंध है न्याय दर्शन से है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तोराह किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है, सभी लोग जवाब दीजिए, तोराह जो है किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है। यह है यहूदियों की जो है धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है, यहूदियों धर्म की। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न स्टार लगा लीजिएगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी,
तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन के प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पाल वंश का संस्थापक कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पाल वंश के जो संस्थापक थे वो थे गोपाल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। स्टार लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगर आप लोगों का 50 में से 25 प्लस स्कोर जा रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है। रिवीजन आपको करना है ज़्यादा से ज़्यादा, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उनको बिल्कुल याद कर लीजिए। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, तो राम मोहन राय, यानी कि राजा राम मोहन राय ने जो है आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थापित कर दिया गया था क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। अभी एक हफ्ते पहले ये क्वेश्चंस में सॉल्व करवाया था। तो चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिए थे असहयोग आंदोलन को, ठीक है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किस जिले में हुआ था। फटाफट वीडियो को पॉज करें और तुरंत बताएं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि, क्या कारण है इसका। जो फ्रिज होता है वो जो खाने के पदार्थ होते हैं उनको खराब होने से बचाता है, किस कारण से, क्योंकि जो है इनके इसके जो है न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है रेफ्रिजरेटर। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो ए बी ग्रुप वाला, जो है केवल ए बी को ही दान कर सकता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सर्वदाता कौन सा होता है, ओ होता है, ठीक है। सर्वग्राही ए बी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न जब आप देखिए कि पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्योंकि जो है उनको सांस की परेशानी क्यों नहीं होती है, उनमें अतिरिक्त वायुकोश होते हैं, इसी की वजह से जो है पक्षियों को जो है सांस की परेशानी नहीं होती है अधिक ऊंचाई में उड़ने से, ठीक है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है, उसे चुनिए आप लोग जो मिश्रण नहीं है, 17 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो देखिए वायु में मिश्रण है, एलपीजी में भी मिश्रण है, गैसोलीन में भी मिश्रण है, आशुद्ध जल में जो है मिश्रण नहीं है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सूचना का अधिकार, कौन सा एक मौलिक अधिकार है ये आपको बताना है। तो शिक्षा का अधिकार देखिए एक मौलिक अधिकार है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, केरल की राजकीय भाषा है, केरल की राजकीय भाषा कौन सी है, मलयालम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स अगर आप लोगों का सिलेबस अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप लोग हमारे क्रैश कोर्स के माध्यम से जो है अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं इन बचे हुए 20 दिनों में। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट भी हो गया हो तो आप लोग हमारे क्रैश कोर्स के माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट नोट्स है, आप लोग टॉपिक वाइज इसमें रिवीजन कर सकते हैं। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस के एंड हिंदी लैंग्वेज के, रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे, ठीक है। एंड हिंदी लैंग्वेज में मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, साथ ही साथ इसमें 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स देखने को मिलेंगे। तो मात्र ₹149 में आप लोग इन बचे हुए दिनों में आप लोग बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो जाके फटाफट परचेज करें, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो इसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूछा जाएगा, उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट जस्ट सक्सेसफुल होने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। कोर्स परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, ठीक है। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जवाहर सुरंग किस राज्य में है, ये तो सभी को पता होगा। तो जवाहर सुरंग जो है जम्मू कश्मीर राज्य में है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है, बुद्ध शब्द का अर्थ बताइए, 21 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी लोग। तो बुद्ध शब्द का जो अर्थ होता है एक प्रबुद्ध व्यक्ति, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पदत्याग संबोधित करता है, 22 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि मंत्रिपरिषद से
पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? राष्ट्रपति को जो है अपना पद त्याग संबोधित करते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर महरौली लौह स्तंभ जो है कहां स्थित है? महरौली लौह स्तंभ कहां स्थित है? 23 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें और ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो महरौली लौह स्तंभ जो स्थित है नई दिल्ली में है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? सभी लोग जवाब दीजिए। विश्व प्रसिद्ध जो दांत का मंदिर है ये कहाँ स्थित है? 24 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो ये स्थित है कैंडी में। कहाँ पे है? कैंडी में दांत का मंदिर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये क्वेश्चन करवाया भी हूँ और इसमें आप लोग इंपॉर्टेंट भी लिख लीजिएगा अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन को देख रहे हैं कि गोल क्रांति का संबंध किससे है। गोल क्रांति का संबंध सभी लोग जवाब दीजिए। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का जो संबंध है वो आलू उत्पादन से है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ठीक है। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है कहां? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या जो पाई जाती है वो पाई जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर देख सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? सभी लोग 27 का राइट आंसर बताने के प्रयास करें कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो वो शामिल थे राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि 1957 ईस्वी में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? किस समिति ने? तो बलवंत राय मेहता समिति ने जो है पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद हो गया होगा आपको अच्छी तरह से कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। ठीक है, उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है राउरकेला क्या है? राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ये की गई थी जर्मनी देश की सहायता से। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? 31 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो भाग 3 में जो है अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? कितने सदस्य? तो 1/6 सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला जो है प्रथम आचार्य कौन थे? भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो वो थे रामानुज। कौन थे? रामानुज। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सभी लोग जवाब दीजिए 34 का कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की जो स्थापना की गई थी 1923 में की गई थी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि संविधान में किन वर्णों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग में जो है विशेष प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में भी विशेष प्रावधान किया गया है। अगले भारतीय समुदाय में भी विशेष प्रावधान किया गया है। यानी कि ये तीनों है आपके उपरोक्त सभी वाला सही होगा। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम में अगर उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन आ जाता है उसमें से अगर आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर सॉलिड पता है ए बी कि हाँ ये सही है तो आप लोग उसमें लगा दीजिए, अगर नहीं पता है तो आप लोग उपरोक्त सभी वाले में ही लगा के ये 99% वही आंसर सही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे? किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर?
तो ये जुड़े हुए थे हिंदू काल से। किससे? हिंदू काल से। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना कब हुई थी? माय डियर फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, कि बुशमैन, बद्दू आदि जनजातियां किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? तो बुशमैन, बद्दू आदि जनजातियां जो हैं ये उष्ण मरुस्थल प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? 39 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है। तो ये पाया जाता है उष्ण मरुस्थली प्रदेश में, दैनिक तापमान पाया जाता है सबसे अधिक। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? 40 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओजोन परत अवस्थित है, ओजोन परत अवस्थित है। मैंने आपको बताया था कि 28 स्टेट हैं एंड 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी राज्यों की राजधानियां एंड वहां के मुख्यमंत्री, राज्यपाल के नाम आप लोग याद कर लीजिए। ये क्लास अगर आप लोग नहीं देखें, इनके बारे में नहीं देखें, तो एक मेरी क्लास हुई थी उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। और हाँ, वो मेरी थोड़ा क्लास पुरानी हो गई है, अभी हाल ही में 3 से 4 दिन पहले जो है 8 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, स्थानांतरित किए गए हैं, ठीक है। तो वो उसमें मैं पुराना बताया था, ठीक है। तो नए वाले की भी PDF में डाल दिया था, न्यूज़पेपर की कनिंग थी टेलीग्राफ में, उससे आप लोग नोट कर सकते हैं। हालांकि जो नए अभी 8 राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए हैं उनसे एक भी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। ना कि उत्तराखंड के अभी जो CM बने हैं वो भी नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका पेपर ऑफलाइन है, पेपर आपका बन चुका है कब का। ऑनलाइन होता तो पूछा जाता, ऑफलाइन पेपर आपका कब का बन चुका है। तो ज़्यादा करंट प्रेजेंट टाइम का नहीं पढ़ना है, ज़्यादा करंट अफेयर अगर आपको पढ़ना है तो 2020 का पढ़िए, 2020 का पढ़िए, वहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। तो ओजोन परत अवस्थित है किस मंडल में? ओजोन परत जो अवस्थित है ये अवस्थित है शमताप मंडल में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है? निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है? किसी मंत्री की पद त्याग से जो है मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मृत घाटी स्थित है, इसमें सबसे पहले स्टार लगाइए आप लोग, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। मृत घाटी स्थित है, तो मृत घाटी स्थित है कैलिफोर्निया में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित है कहाँ? विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित कहाँ पे? 44 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित है सहारा तुल्य प्रदेश में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव की नहीं? धान, जूट, चाय, मूंगफली। तो चाय की खेती के लिए या धान की खेती के लिए, जूट की खेती के लिए, मूंगफली के लिए, किसके लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव की नहीं? तो चाय की खेती के लिए जो है पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं, भरा नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो कि धान में भरा रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान की राजधानी थी, कई बार ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, टीपू सुल्तान की राजधानी पूछा गया है। तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो इंडोनेशिया की जो है सबसे ज़्यादा है जनसंख्या इनमें से, ठीक है। सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता है कौन? वो है गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में पहला नगर निगम जो स्थापित हुआ था वो हुआ था चेन्नई में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कि भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? स्टार लगा लीजिएगा, और कई बार ये क्वेश्चन करवाया भी हूँ, ठीक है। तो इसका जवाब आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, जो भी हो। अगर आपके कमेंट को मैं लाइक कर दिया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, मोस्टली सभी लोगों का आंसर सही आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। सो फ्रेंड्स, और 50 में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही डेली
क्लासेस देखने के लिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। और क्रैश कोर्स को अभी तक आप लोग परचेज नहीं किए तो परचेज कर सकते हैं मात्र 149 रुपये में, इन बचे हुए दिनों में अपनी तैयारी कर सकते हैं। 149 रुपये मत देखिए अगर आपको फ्री सीट लेना है तो। और ये मेरे इंस्टाग्राम की यूज़र आई डी है, यहाँ पर देख सकते हैं, जाके फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक दे दिया हूँ, तो जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।